बहुत कंफर्टेबल है इसलिए। गणेश देवा नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बन जाइए। तो कल का दिन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था एंड जितना जो जिसने रिकॉर्ड कर दिया मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। लेकिन आज का दिन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे ना आज साल भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो हमारे घर का तो नहीं है, महाराष्ट्रियन लोगों का है, महालक्ष्मी। तो उसमें हम लोग जाते हैं ओटी भरने वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शाम को वहीं पर हमारा खाना वगैरह भी रहता है तो प्रसाद लेने जाते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। और साथ ही साथ आज 5 दिन पूरे होते हैं तो आज हमारे गणपति पप्पा का विसर्जन भी है, तो चलिए देखते हैं। और रात में हम लोग सोने में इतना लेट हो गए थे, 4 बजे सोए आई थिंक और अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं उठ गई थी तो रेडी हो गई हूँ। चलो दिखाती हूँ कौन सी साड़ी पहनी है। ये मेरी ग्रीन साड़ी जो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार देख चुकी होगी क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। पतली सी साड़ी है एंड दिखने में बहुत सुंदर दिखती है। तो चलो नीचे चलते हैं इससे पहले कि डांट रहे। तो रात में ना मेरे देवर देवरानी जीव जेठानी सब लोग रुक गए थे, हमने रात में बहुत मस्ती करी बहुत ज़्यादा। और बस अब सुबह हो चुकी है तो सुबह का काम स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा भी अभी हैं, शाम को उनकी ट्रेन है, शाम को वो निकलेंगे और उसके पहले हम जाएंगे पहले महालक्ष्मी वगैरह में। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ की महालक्ष्मी कैसी होती है। मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियस है कि दूसरों के घर में ज़्यादा वीडियो बनाना मुझे पसंद भी नहीं है और ना ही हो पाता है, पर जितना कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा आप लोग को शेयर कर सकूँ। देन आज 5वां भी दिन है और हमारे गणेश जी का भी आखिरी दिन था, तो मैंने सबसे पहले गणेश जी की आरती की तैयारी करी और सबको बोला कि सबसे पहले आरती कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पे माँ और हम सब खड़े थे आरती करने के लिए। और बताइए ये वाला दिन ना वैसे भी हमेशा से हमारा बहुत भागदौड़ भरा रहता है क्योंकि इसी दिन महालक्ष्मी में भी जाना होता है, गणेश जी का भी आखिरी दिन होता है। फिर मैं और प्रेरणा चले गए थे मम्मी को भी दर्शन कराने, महालक्ष्मी को दर्शन करने। तो ये हमारी फैमिली फ्रेंड है उनके यहाँ पे बैठती है, बहुत सुंदर मूर्ति है। ये वीडियो ना उनकी मूर्ति को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है कि कितना ग्लो रहता है उनके फेस पे। देन हम लोगों ने दर्शन करी और हम लोगों को भरना था वहाँ पे ओटी, तो ओटी में भरते हैं, 2 ब्लाउज़ पीस लेके जाते हैं, कहते हैं कि ये दोनों बहनें होती हैं तो इनके अलग अलग ओटी भरते हैं। तो 2 ब्लाउज़ पीस चावल नारियल उस पर हरी चूड़ियाँ और हम लोग तो बस पैसे और हल्दी कुकू रख देते हैं, उसके अलावा जिसको जो रखना हो, कोई कोई लोग सुहाग का सब सामान भी रखते हैं, ये सब की अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। तो बस हम यहाँ पे दोनों बैठ के ना ओटी भर रहे थे। फिर 12 बजे करीब ना महालक्ष्मी की आरती होती है, तो हमने उसके पहले हमारी ओटी वगैरह भरने का सब काम कर लिया था। और ये प्रेरणा के लिए भी बहुत सब कुछ नया था और साथ ही साथ में मेरी मम्मी के लिए तो बहुत ही नया था सब कुछ देखना। मुझे तो बहुत टाइम हो गया है, 5 सालों से देख रही हूँ लगातार, तो अब मुझे ये सब की आदत हो गई है। देन आरती वगैरह स्टार्ट हुई, सभी लोग यहाँ पर आरती कर रहे थे हम लोग। और पता है इनके यहाँ ना 7 आरती होती है महालक्ष्मी की, मतलब पहले गणेश जी की, शंकर जी की, ऐसे करके सब अलग अलग भगवानों की करके कुल मिला के 7 आरती होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, ये जो वातावरण जो बनता है ना उस समय का, मतलब इतना धार्मिक वातावरण, वो इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मुझे तो ये 2.5 दिन ऐसे लगते हैं जैसे कोई त्यौहार मना रहे हो हम या कोई बहुत बड़ा ऐसा मेला लगा हो, ऐसा लगने लगता है मुझे रालेगाँव में।
फिर महालक्ष्मी के आरती के बाद में हमने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया, थोड़ी देर फोटोज़ वोटोज़ खिंचवाई, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर हम दूसरी जगह दर्शन करने चले गए थे। यहाँ पे ना हर दो तीन घर छोड़ के एक घर में महालक्ष्मी बैठती ही बैठती है, और हमें बहुत सारी जगह से इन्विटेशन आता है क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं, सबसे अच्छे संबंध है, तो हमारी फैमिली को बहुत सारी जगह से इन्विटेशन आता है। और माँ चाची जी ये लोग तो बहुत जगह जाते भी थे पहले, अब तो कम हो गया है, फिर भी मतलब मुझसे तो जितना होता है मैं इनके साथ चले जाती हूँ। तो ये एक और जगह थी, ये जो भैया थे हमारे दुकान पे पहले काम करते थे, तो उन्होंने भी इनवाइट किया था, हम उनके घर भी दर्शन करने गए, और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। देन ना लंच वगैरह के बाद अब टाइम हो गया था कि गणेश जी से विदा ली जाए, 3-4 बजे के करीब हमारे यहाँ गणेश विसर्जन होता है, तो बस यहाँ पे अब उसकी ही तैयारी चल रही थी विसर्जन की। यहाँ ना काला बनता है, जो ज्वारी की लाई होती है उसका एक काले का प्रसाद बनता है और वो प्रसाद में लगता है, तो उसका प्रसाद वगैरह यहाँ बन चुका था, सभी लोगों को गुलाल भी लगा दी थी, और अब एक आखिरी आरती की तैयारी चल रही थी। इस जैसे ही गणेश जी लेके जाएंगे ना, साथ ही साथ में मम्मी पापा भी निकल जाएंगे वर्धा के लिए, उनकी भी ट्रेन है वर्धा से, तो ऐसा ये सब है शेड्यूल। फिर उसके बाद आरती की तैयारी करी और सभी लोग आरती करने लगे गणेश जी की। मुझे तो ना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, इतनी मेहनत करती हूँ और 5 दिन में गणेश जी को उठाना पड़ता है। अभी मैंने इस साल सबको बोला है कि यार प्लीज़ या तो 7 दिन के गणेश जी बैठाओ या 10 दिन के, क्योंकि 2 दिन तो बीच के महालक्ष्मी में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर आरती के बाद में गणेश जी को उठा लिया गया। देन हमारे घर के पास में ही, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से पास में ही 15 मिनट्स की दूरी पे एक कापसी नदी है, तो वहाँ पे ये गणेश जी को सिराने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए गाड़ी में ये लोग बैठ गए थे, और साथ ही साथ एक और गाड़ी की हुई थी जिसमें मम्मी पापा भी वर्धा के लिए निकलने वाले थे। तो ऐसे करके दोनों गाड़ियाँ रवाना हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था मेरे लिए, तो गणेश जी भी चले गए और मम्मी पापा भी जा रहे थे, तो ऐसा करके यहाँ पर ये मोमेंट बना था। फिर सबको विदा करके जैसे ही ऊपर आई और ये खाली पंडाल देखा ना, मुझे तो इतना हर्ट हुआ यार, इतना रोना जैसा आने लगा, इतनी मेहनत करते हैं इनको लाने के लिए और ये इतनी जल्दी जल्दी चले जाते हैं, मतलब कुछ भी यार। और फिर टाइम हो गया था कि अब हमको वापस जाना था जिमने वगैरह के लिए, तो आज ना महालक्ष्मी का महाप्रसाद होता है जिसमें 16-16 तरह का उनको ऐसे पातल में भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद में जीवन होता है। तो ये जो पत्तल का खाना होता है ये तो सबको देते नहीं है, सबके लिए अलग से बनता है, लेकिन हाँ आमटी या क्या बोलते हैं उसको, उसका जो प्रसाद होता है वो सबको देते हैं। तो यहाँ हम लोग चले गए थे, फिर से हमने दर्शन वगैरह किए, थोड़ी देर बैठे हम सबसे बातें करी, और फिर उसके बाद हम भी चले गए थे महाप्रसाद लेने। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बस ये था जो वहाँ की थाली थी जिसमें थी कद्दू की सब्जी, कढ़ी एंड दाल भाजी, और जो प्रसाद होता है वो दाल चावल, और थोड़ा सा वो आंटी ने ना, क्योंकि वो हमारी फैमिली फ्रेंड है, तो उन्होंने वहाँ पातल का भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ हमको प्रसाद दिया था, तो ऐसा कुछ कुछ था। फिर वहाँ से निकल के हम आ गए थे घर, देन घर नहीं आए थे सॉरी, एक और जगह गए थे दर्शन करने। तो यहाँ पे जो ये साड़ियाँ हैं ना, ये हम लोगों ने ही उनको दी थी माँ लक्ष्मी को पहनाने के लिए, तो ये हमारा ही गिफ्ट था वहाँ पे, तो इसलिए दर्शन करने जाना ज़रूरी था। तो हम लोग यहाँ पे महालक्ष्मी के दर्शन करने गए, मॉर्निंग से यहाँ पे आ ही नहीं पाए थे ओटी वगैरह भरने भी, तो इसलिए अभी दर्शन करने गए। ये लाइट्स के कारण ना महालक्ष्मी का फेस आपको मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, वरना ना ये वाले महालक्ष्मी का फेस बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है। बस फिर वहाँ से दर्शन करके हम घर आ गए थे, और फिर आज सोनू जी जी भी जाने वाले थे तो वो भी चले गए थे, और बस फिर हम रात भर मस्तियाँ करते रहे सब के सब बैठ के, और फिर से लेट हो गए सोने में। हे वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे है और आज भी यहाँ पे महालक्ष्मी बैठती है, लेकिन आज अभी की स्कूल है और आँखें देखो कैसी हो रही है, मतलब नींद ही नहीं हुई है इतने दिन से, और क्या ही बोलना, गला भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अब तबीयत डाउन होने वाली है।
तो अभी अविक को स्कूल भेजेंगे और उसके बाद फिर से थोड़ा सा महालक्ष्मी में जाएंगे, देन शाम को भी वहाँ पे ही खाना खाने जाना है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं एक हैप्पी स्माइल के साथ। और हमारे गणपति पापा तो कल जा चुके हैं, लेकिन यदि आपके घर में विराजमान है तो भाई उनकी पूजा आरती सेवा अच्छे से कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं दिन की। तो मैंने यही रिपीट कर लिया था, सूट जो मैंने 2 दिन पहले पहना था टंगा हुआ था, और मुझे अभी चेंज करके साड़ी भी पहनना है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने सूट पहन लिया। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अभी तुलसा जी को, सूरज देवता को जल चढ़ा देती हूँ, और फिर उसके बाद अब फटाफट से मैं प्रिपेयर करूँगी अविक का टिफिन, क्योंकि उसको स्कूल भेजना है अभी, और उसको स्कूल भेजने के बाद मुझे फिर से महालक्ष्मी में जाना है। आज महालक्ष्मी का ना, वो जो 2.5 दिन की महालक्ष्मी बैठती है उसका जो मतलब कहना चाहिए ना, आधा दिन वो होता है। आज बस 12 बजे की आरती होती है, गाठी पाटते हैं, उसको गाठी में बांध के ऐसे कुछ कुछ करते हैं, और मैं वो सब रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ करने ज़रूर गई थी। फिर यहाँ अभी का लंच वगैरह पैक करके उसको रेडी करके फटाफट से स्कूल भेजा। तो भाई अभी मैं वापस रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं महालक्ष्मी का चमत्कार देखने के लिए। क्या होता है वो सब मैं आके बताऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। और कुछ ऐसी ग्रे कलर की मैंने साड़ी पहनी है। अब मैं फटाफट से भाग रही हूँ, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी और डार्ट खा लूँ, रिंग्स पहनना भूल गई हूँ। दिन ऐसे ही जाते हैं, ये 2.5 दिन जो महालक्ष्मी का फेस्टिवल होता है ना, उसके दिन ऐसे ही जाता है, बस इधर उधर भागते भागते। किसी के घर दर्शन करने जाना है किसी के, एक तो मुझे तो मेन एक्चुअली एक ही घर जाना पसंद है जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उनके यहाँ पे, तो अभी मैं उनके यहाँ पे ही जा रही हूँ। उनके यहाँ से फ़ोन आया हुआ है, उनके आरती वगैरह भी है, तो इसलिए फ़ोन आया हुआ है कि जल्दी आओ, तो बस मैं भाग रही हूँ। पूरे घर में जहाँ तहाँ सारा ही पड़ा हुआ है। और हम लोग आ गए थे फिर से यहाँ महालक्ष्मी के पास, तो यहाँ गाठी वगैरह की, एंड है ना एक महालक्ष्मी के पास ना, यदि आपकी कोई विश हो तो इस समय की आरती होने के बाद आप कपड़े में, उनका जो कपड़ा होता है उसमें लकड़ी होती है वो उसमें रख दो, और यदि वो विश पूरी होनी होती है तो वो कपड़े के ऊपर आ जाती है, और यदि विश नहीं पूरी होनी होती है तो वो कपड़े के अंदर ही रखी रहती है। तो ये चीज़ मुझे देखनी थी, तो बस मैं उसके लिए ही आज गई थी, एंड मैंने लिटरली देखा, तो मुझे मैं देखती ही रह गई कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ आरती हुई तो हम आरती में खड़े रहे, आरती वगैरह हुई, दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे सबके साथ में, और फिर हम लोग तो घर आ गए थे। देन इतनी रातों से, 2-3 रातों से नींद नहीं हुई है, तो दोपहर में तो हम इतना सो गए थे ना दोनों, फिर मैं चेंज कर ली थी, तो इसलिए अभी मैं वापस दूसरी साड़ी पहन के रेडी हो गई थी, और अब हम जा रहे थे वापस महालक्ष्मी का प्रसाद लेने के लिए। फिर हमने यहाँ पे महालक्ष्मी का प्रसाद लिया, तो इसमें था दाल भाजी, कढ़ी एंड आलू बैंगन की सब्जी, चावल और भजिया, ये सब कुछ था। और फिर घर आके ना प्रेरणा ने सब तैयारी करी और मुझे ब्राउनी बनाना सिखाया, और ये जो इसका बैटर था ना, एक्चुअली इतना जल्दी जल्दी मैं बना तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैं नेक्स्ट टाइम जब भी घर में बनाऊंगी तब आप लोगों से रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। यहाँ अविक प्रेरणा की हेल्प कर रहा था ब्राउनी बनाने में, वो वॉलनट्स को ऊपर से डेकोरेट कर रहा था उसके साथ में। ये बहुत छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं बच्चों के, और उनको ना इन्वॉल्व कर लो तो उनको बहुत खुशी होती है, उनको लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया, तो हमें उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए।
एंड इतनी सही रेसिपी है इसकी, जस्ट 15 मिनट्स में बैटर भी रेडी हो गया और ब्राउनी भी रेडी हो गई। कुक एंड हीट पे सिर्फ 5 मिनट में उसने बेक करके ब्राउनी को रेडी कर दिया। और लकीली हमारे पास ना सिजलर भी पड़ा हुआ था 1-2 साल पहले, पता नहीं कुछ काम से लेके आए थे, बट कुछ हुआ ही नहीं बनाना, तब से पड़ा ही हुआ था, तो बस अब हम सिजलर का भी यूज़ करने वाले थे। पता है कोई भी चीज़ ना बिना प्लानिंग की होती है ना तो वो गजब की होती है। यहाँ हमने कोई प्लान ही नहीं किया था कि ब्राउनी बनाएंगे या फिर ऐसा करेंगे। जस्ट सडनली बैठे बैठे मैंने उसको पूछा कैसे बनाते हैं, उसने बोला अभी बना दूँ, चलो बना लेते हैं। फिर हमने संकेत को पूछा कि सामान मिलेगा क्या, मतलब कोको पाउडर वगैरह था नहीं मेरे पास, तो संकेत ने बोला पूछता हूँ, एंड वो जाके ले भी आए सब। और फिर रात में आके हमने फटाफट से बना भी ली और खा भी ली, मतलब अलग ही मज़ा आ गया यार, जल्दी जल्दी से सब कुछ हो गया। ये ऐसे प्लान्स ना मेरे फेवरेट होते हैं। मैं तो बहुत दिन से आप चीज़ें प्लान करते रहो, आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा वैसा होगा, बट चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। बस फिर हम सब बैठ गए थे ब्राउनी इंजॉय करने और बहुत सारी बातें करने। तो ऐसे थे मेरे ये 2 दिन महालक्ष्मी में, पूरा दिन 2 दिन हमारे ऐसे ही बीतते हैं। गणेश जी भी उसी टाइम पे जाते हैं और अब कल सुबह ना प्रेरणा और शुभम जी भी चल जाएंगे तो घर एकदम खाली हो जाएगा। लेकिन हाँ हमें भी कहीं जाना है, वो आपको आगे के ब्लॉग्स में पता चलेगा। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर